धूप, इसके लिए तो वेट कर रहे थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमारा प्रॉपर लास्ट डे है चंडीगढ़ में। भाई मेरे रूम पार्टनर जो है वो मेरे ख्याल से अभी कल रात को या परसों सुबह विदा हो सकते हैं, तो उसका एक अलग इमोशनल वीडियो आएगा। तो मैंने मेरा पीछे का जो बैग है उसको मैंने ऑलरेडी माउंट कर दिया, और ये देखो हमको कितनी अच्छी पार्किंग मिली। लास्ट टाइम इधर रुके थे तो पार्किंग नहीं दे रहे थे लोग। ये मेरा दूसरा बैग है जो इधर है, और यहाँ पर मेरा सामान, यहाँ पर इनका सामान, और ये हमारा पूरा कंप्लीट रूम है। ये जो प्रॉपर्टी है सन पार्क, ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, बट प्रॉब्लम एक ही है इधर का खाना अल्टीमेट एक्सपेंसिव है। चाय 70 रुपये की है तो। और ऐसा भी नहीं है कि अगर बहुत अच्छा 5-स्टार लेवल का होता ना तो मैं आपको बोलता कि मैं एक बार ट्राई तो करना चाहिए, बट इससे अच्छी प्रॉपर्टी जो है चंडीगढ़ में बहुत सारी है। बट हमारा क्या था कि बुक हो चुका था, अपने को रहना था, रह लिया, ऐसी वाली बात है। पास में सन पार्क से थोड़ा सब सामने देखेंगे ना तो एक राम परोठा करके है। हाँ बेस्ट भाई, 30-60 रुपये में परोठा मिलता है, एंड ट्रस्ट मी आपका पेट भी भरेगा एंड बहुत टेस्टी है। मतलब जगह पे मत जाना, बहुत अच्छा है। कल जो है जीएस कैल्टेक्स का ऑयल, जीएस कैल्टेक्स को वापस किया है कंपनी को, एंड वापस से मैंने जीएस कैल्टेक्स का ऑयल ही मेरी गाड़ी में डाला है। वॉशिंग का सीन ऐसा हुआ कि यार बहुत लेट नाइट था तो उधर किधर वॉशिंग सेंटर ओपन नहीं था। आज मैं ट्राई करूंगा कि वॉश कराऊंगा, क्योंकि गाड़ी में से वो धुआं 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 आ रहा है ना, तो मुझे वो सही नहीं लग रहा है। ऑयल का जो परफॉर्मेंस था जीएस कैल्टेक्स ऑयल का, फैंटेस्टिक था गाइज। मतलब मैंने बहुत सारे ऑयल्स एक्सपीरियंस किए जैसा कि आपको मालूम है, बट जीएस कैल्टेक्स मेरे लिए बहुत उभर के आया है। सो आई रियली लाइक्ड इट, एंड अराउंड 4,400 किलोमीटर मैंने चलाया। अब नई ऑयल है, इसको 1700-1800 जितना भी हमारा किलोमीटर है वो चलाऊंगा। सबकी गाड़ी ऑन हो गई है, एंड वन फाइनल गुड बाय टू दिस लवली। ये है नितिन सर, ये हमारे ऑर्गेनाइजर थे। सी यू सून सर। वो निकल रहे हैं अभी सन पार्क से, और ये एक्चुअली काफ़ी फेमस होटल है, इधर अपने बुलेट गुरु भाई भी रुके थे। हम लोग वहीं पर है जहाँ पर हमने लास्ट टाइम स्टॉप लिया था। टैम भाई के दोस्त इधर मिले थे हम लोग को लास्ट टाइम, तो अभी हम लोग रात के टाइम आए थे, अभी हम लोग दिन के टाइम है। और अभी 140 हुआ है ऑलमोस्ट। कितना किलोमीटर हो गया भाई? भाई 110 किलोमीटर जैसा हो गया। 110 किलोमीटर हो गया होटल से, और रेविटॉप में हमको मिल गया। हमको लगा भाई बंदा ओल्ड राव पहुंच गया। फर्स्ट पेट्रोल फ्यूलिंग हमारा दिन का, बहुत अच्छी राइड जा रही है। ये है वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, एंड क्विक स्नैक ब्रेक, ब्रेक के लिए यूके है स्नैक ब्रेक। यहाँ पे हमारे सब ग्लव्स वगैरह सब कुछ है। हाँ, और 200-something किलोमीटर है, बट बहुत अच्छा वेदर है, ब्यूटीफुल राइड चालू है। और इधर अपने भाई लोग बिस्किट ना भी कुछ ना भी से आ जा रहा था दोस्तों, तो हमने सोचा बिस्किट खाएंगे अभी। ये तो रैपर है, पर ये फेक नहीं रहा, मैं ले जा रहा हूँ। वी डोंट ट्रैश आवर राइड यार। ये जो वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है गाइस, ये मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा। अभी सैम और मैं कंटिन्यूसली 140 प्लस थे, मतलब वो 150-160 टच कर रहा था, तो मुझे पीछे से 160 प्लस टच करना पड़ रहा था। इतना बढ़िया रोड वेस्टर्न पेरिफेरल से हम लोग निकले, और देखो कैसे ट्रैफिक में फंस गए। इसलिए गाइस मैं बोलता हूँ कि स्पीड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसिस्टेंसी से पड़ता है, क्योंकि रोड ऐसे ही चेंज होते रहते हैं। एक्सट्रीम ट्रैफिक है भाई, एक्सट्रीम ट्रैफिक है। आ जा पीछे आ जा। लद्दाख क्या, ये असली लद्दाख है भाई। बाप रे बाप, कहाँ से ढाते लगाने यार। बाप रे, मैं वापस से डोंबिवली शिलफाटा तो नहीं आ गया भाई? शिलफाटा में ही ऐसा ट्रैफिक है मेरे भाई।
सुबह सुबह व्लॉगिंग, क्या बात है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं अभी हूँ ओल्ड राव होटल में और यहाँ से निकलने वाला हूँ उदयपुर की तरफ, यानी कि अभी 1200 किलोमीटर का हमारा जर्नी रह गया है। और आज बहुत ही खुशी का दिन है और सुबह के मेरे ख्याल से अराउंड 7 बजने वाले होंगे। ये हमारी ब्यूटीफुल बाइक्स यहाँ पे पार्क्ड है, तो अभी सिर्फ 5 बाइक्स ही पार्क्ड है यार, कभी 7 बाइक्स होती थी, 6 बाइक्स होते थे। और ये देखो हमारी पूरी पार्किंग, बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है। ये मेरा रूम है जहाँ पे कपड़े लटक रहे हैं। पूरे ट्रिप में मालूम है क्या हुआ है, मेरा एक ही चीज़ घूम गया, वो मेरा गॉगल्स था जो मुझे आर्मी ऑफिसर ने गिफ्ट किया था, तो वो मेरा गॉगल्स खाली घूम गया इस पूरे ट्रिप में जब हम लोग बाइक निकाल रहे थे। बट फॉर्चुनेटली ये लद्दाख में ही हुआ और मुझे लद्दाख में ही मिला था, तो ऐसा समझ रहा हूँ कि ले की चीज़ ले में वापस की है। ये देखो हमारा सामान पूरे रूम में, बहुत अच्छा रूम है ये। मेरा बैग, हेलमेट, इधर बुलेट भाई का हेलमेट बैग, उधर मेरा राइडिंग गियर, इधर सैम भाई का पूरा गियर सब, टॉप बॉक्स। और टॉप बॉक्स से याद आया गाइज, एक न्यूज़ आने वाली है और वो कुछ ऐसी ही दिखती है, घर पहुंच के आपको पता चलेगा। सो गाइज, अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो और इस रूट पे हो, एक बार ओल्ड राव होटल डेफिनेटली चेक करना, बहुत ही अफोर्डेबल था। हमारा स्टे 3 जन का एक रूम में मेरे ख्याल से 1400 रुपये में था। आई नो थोड़ा सा हाई लगता है, बट 1400 रुपये में आपको जो मिलेगा वो बहुत अमेजिंग है। किसी को नहाते हुए देखना है तो भाई ये है स्पॉट। राइड बहुत अमेजिंग था। और आज 28 तारीख है मेरे ख्याल से, हम लोग ने 6 तारीख को स्टार्ट किया था, 6 से 26 तक होता है अराउंड 21 डेज और 28 यानी कि 23 डेज। सो और 2-3 दिन है मुझे घर पहुँचने के लिए, तो अराउंड 25-26 डेज हो गया है इस राइड पर। गाइज हम लोग जो ये राइड्स करते हैं ना, तो जो स्पीड हम लोग कैरी करते हैं या जैसे भी हम लोग राइड करते हैं, स्पेशली अगर आप मेरी वीडियो देखते हो या किसी भी एक्स वाई जेड इन्फ्लुएंसर की देखते हो, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, डू नॉट ट्राई दिस एट होम और एट स्कूल। बोल कर दिया माय ब्रो। राव होटल में राव का स्टाइल भारी है भाई। ये देखो, वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। चलो भाई निकल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेंशन है मुझे गाड़ी का, कुछ लफड़ा नहीं रहना चाहिए, और लफड़ा है तो भाई छोटा वाला रहना चाहिए। हाँ, जैसे बुलेट गुरु भाई बोल रहे हैं कि इतना बड़ा लफड़ा नहीं है, टेंशन मत ले। सो बस आई एम होपिंग कि भाई मैं घर पहुँचने तक मेरे को कोई लफड़ा आ नहीं। इधर ब्रेक लिया था, बहुत थक गए थे ना तो क्विक ब्रेक लिया था, 5 मिनट रुके थे, अब निकल रहे। राजू सेठ माय ब्रो। बाप रे बाप, 115, बहुत महंगा हो गया भाई पेट्रोल। अंबानी जी क्या कर रहे हैं भाई, वो तो सस्ता देने चाहिए ना। तो उदयपुर अभी 200 किलोमीटर बचा है और हम लोग पता नहीं कौन से तो अलग से ट्रैफिक में फंस गए, ऐसा इधर कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ ट्रैफिक। सो ये टोल नाके के इधर इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और वहाँ अपने दोनों भाई लोग हैं। तो अभी उदयपुर से अराउंड 200 किलोमीटर समथिंग है, मोदासा से 350 किलोमीटर है, बहुत सारा डिस्टेंस है अभी। हाँ जी, उदयपुर से 36 किलोमीटर, मतलब उदयपुर से और 60-70 किलोमीटर दूर हूँ मैं। ओ माय गॉड, इधर देखो, इधर रोड का काम चल रहा है। एक्चुअली अच्छा है ये, आज नहीं होता, पहले ही बना होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। 116 अपना उदयपुर में है, बाप रे बाप, माय गॉड, ऑलमोस्ट मैं उदयपुर आ गया हूँ और फिर से मुझे ये रहा पे रोड का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। अच्छी बात है, ये रोड बनेगा तो हम सबके लिए फ़ायदा होगा,
गाइस मैं उदयपुर पहुंच गया हूं और अभी मैं अपने लिए होटल देख रहा हूं। ओके, और ये लोग अभी 4 किलोमीटर पीछे है, आ जाएंगे अभी। प्लान में चेंज, मैं अभी जा रहा हूं अपने ग्रुप के साथ क्योंकि लास्ट डे है इनके साथ मेरा। तो चलो ठीक है, सबके दिल की बात रख दे रही है। पेट्रोल भरने रुके हैं, 76 किलोमीटर बाकी है फॉर मुदासा। फर्स्ट टाइम मैं रुकने वाला हूँ मुदासा में। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। किलोमीटर बचा हुआ है और हम लोग अभी मुदासा के रोड पे है। अभी स्टेट हाईवे लगेगा थोड़ी देर में, तो होटल में मिलते हैं सीधे। तो ये है मेरा रूम, 2-3 जन का बेड, क्या बात है क्या बात है। तो मैं भी आ गया हूँ होटल के अंदर और ये है मेरा रूम। नॉर्मली मैंने देखा है गुजरात में जैसे ही एंट्री करते हैं तो जितने भी होटल्स होते हैं उनके रूम इतने वाइड होते हैं, ऐसे ही बड़े होते हैं, मतलब लगता है कि 6-7 जन आराम से इसमें एकोमोडेट हो सकते हैं। तो ऐसे मैंने गुजरात में देखा है, बाकी किसी जगह पर देखा नहीं है। एक दिल्ली में भी देखा था बट गुजरात में नॉर्मली मैंने देखता हूँ। सो गाइज, ये पूरे सीरीज़ में मैंने वीडियो को एंड करना मैं हमेशा भूल जाता था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। कुछ तो एक बनाना पड़ेगा मुझे जिसमें हर वीडियो में एक एंडिंग लगे। तो फिलहाल इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू सी एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू माय चैनल। मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ।